चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। नाउ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी कितना होगा? जैसे एक रॉड है, ठीक है, सीधा बना देते हैं। एक रॉड है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है। यहाँ पर इसका मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ होता है, मान लो, ठीक है, इस तरफ है, इस तरफ है, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एल, ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट इस रॉड का जिसकी लेंथ कैपिटल एल है। इसी रॉड को अगर एक सेमी सर्कुलर रॉड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो इसका रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल आर है, ये सेंटर है, ठीक है, और इसकी लेंथ L ये होगी। अच्छा, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? L की वैल्यू पाई R के इक्वल होगी, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो R इज इक्वल टू L बाई पाई होगा, करेक्ट है। अब देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होना चाहिए? अगर यहाँ पोल स्ट्रेंथ M है, ये M है, ठीक है, तो ये होगा M इंटू टू आर, आर की वैल्यू L अपॉन पाई है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, स्मॉल m इंटू टू इंटू एल अपॉन पाई। अब जरा देखो, टू अपॉन पाई इज इंटू एम इंटू एल होगा, और m इंटू एल की वैल्यू है कितनी? कैपिटल m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो टू बाई पाई इंटू कैपिटल m नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस सेमी सर्कुलर रॉड का। तो टू एम बाई पाई, ये वाला ऑप्शन है ना, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।